शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रथम सिद्धांत जो राजा का है वो दंड नीति है। और आप यदि देखेंगे शाहीन बाग इनके सामने बिखर गया, क्या दंड नीति लागू हुई शाहीन बाग पे? शाहीन बाग के हर जो भी अपराधी थे वो छूटते चले गए, क्या दंड नीति थी शाहीन बाग में? क्या मणिपुर में हिंदुओं के संघार में दंड नीति थी? क्या बंगाल में हिंदुओं के संघार में दंड नीति थी? क्या नूह में हरियाणा में हिंदुओं के संघार में दंड नीति थी? क्या गुजरात में दंड नीति थी जहां एक ही महीने के अंदर 5-5 लोगों के गले काटे गए गुजरात में? और अब तक साल 2023 में 300 हिंदू मारे जा चुके लव जिहाद आदि सब में, कोई दंड नीति है? शाहीन बाग के सामने बिखर गए, किसान आंदोलन के सामने बिखर गए, देश के का जो तिरंगे का अपमान हुआ उस लाल किला पर वहां बिखर गए, कोई दंड नीति है इनकी? इनकी दंड नीति केवल विपक्ष को डराओ, जो इनके विरोध में बोल रहा है उनको डराओ, लेकिन जो कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट हैं उनके प्रति इनकी दंड नीति नहीं है। ये इस आंकड़े से पता चलता है कि 14-15 में आप देखेंगे एक दो कभी हिंदुओं को मारा जा रहा था, 19 के बाद हिंदुओं को मारने की गति तेज हुई क्योंकि इनकी दंड नीति ने शाहीन बाग के बाद दम तोड़ दिया।